आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजे। क्या नाम है आपका? वेंकटेश। वेंकटेश जी कहाँ से आए हैं? हैदराबाद मरसिलपुरम से आए सर। क्या परेशानी हुई आपको? हमको नाइट ब्लाइंडनेस है। कब मालूम पड़ा आपको नाइट ब्लाइंडनेस है? एक बचपन से हमारा अम्मा अम्मी डैडी हमको बोलते रहे तुमको नाइट में नहीं बाहर नहीं निकलता भाई। नहीं निकलते थे क्योंकि रात को दिखता नहीं था इसलिए। नाइट को नहीं दिखता तो हाँ। नहीं तो आप गाड़ी लेके जाते थे, गाड़ी में आपको स्पीड ब्रेकर और गड्ढे में कोई दिक्कत पड़ती थी? पहले पहले अच्छा ही दिखता था हाँ, फिर बाद में एक 10-12-15 साल से कम हाँ, होते रहे। क्या कम हुआ? गड्ढे कुछ भी नहीं दिखता था हाँ, एक दो बार फटक गया, गाड़ी जंप होते रहता हाँ, एक दो बार एक्सीडेंट भी छोटा छोटा हो गया, एक्सीडेंट भी होने लगे गाड़ी लेके। तो साइड से क्या जा रहा है आपको दिखता नहीं? नहीं साइड से नहीं दिखता है ना, पहले अच्छा था, हल्लू 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 जरा कम हो गया। ये साइड को क्या है, ये साइड को क्या है, कैसा आ रहे। पैसा देखना कब से बंद हो गया? पैसे देखना एक 3-4 साल से वो पहचानती भी नहीं हाँ? ये 500 नोट है, 10-100 का नोट है, कुछ भी नहीं देखता, नहीं दिखता हाँ, पैसे नोट नहीं पहचान पाते कितने का नोट है, है ना? कितने का नोट है वो भी नहीं पहचानता। कितने 4 साल से? 4 साल से। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक आंख बंद कर लीजिए आप, बता सकते हैं कितनी उंगली? उंगली ऐसा ऐसा, तुम्हारा हाथ ऐसा है, कैसा भी है आप तो फिंगर फिंगर नहीं दिखता, नजदीक आए तो भी नहीं दिखता। अभी कुछ होता हिला रहे। तो आपकी स्थिति है कि लेफ्ट आंख से आप फिंगर नहीं गिन सकते, सिर्फ कुछ हिलता डुलता महसूस होता। अब राइट से देखिए, बहुत कम है, इससे भी ये कम है। अभी दिखता नहीं, इतना फिंगर नहीं दिखता, नहीं दिखता कितना फिंगर है, नहीं दिखता। तुम्हारा हाथ ऐसा दिख रहा है, अब क्या हो रहा है? हिला रहे। तो वेंकटेश जी आज आपकी स्थिति ये कि आपको सिर्फ हिलता डुलता सामान महसूस होता है, लेकिन आपको कुछ इमेज नहीं बन रही है कि कितनी फिंगर है। हम प्रयास करेंगे आपकी जिंदगी में पुनः रोशनी आए और आप स्वयं किसी के मोहताज ना रहें। बेस्ट ऑफ लक, आपकी कृपा। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर। बंद करिए, आप बता सकते हैं कितनी उंगली है? हिल रहा है कि नहीं? हिल रहा है। अब स्ट्रेट हो गया। कितना है? 2 दिख रहे। 2, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन टू यू, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन टू यू। वेंकटेश जी जिंदगी में वो चीज आई है आपको, कितने सालों से आपको इमेज दिखना बंद हो गई थी? 40 साल से आपको इमेज नहीं दिख रही थी, 40 साल बाद आज आपको फिंगर काउंटिंग। ऊपर जो खड़ी है उसको देखने का। 2, करेक्ट, गुड, बधाई हो। आप देखें आज अब क्या पोजीशन है? अब हाथ उठा है। हाथ कंसंट्रेट करो थोड़ा। 2 दिख रहा। बहुत सारी बधाई हो, ये रोशनी 1 मीटर हो गई है आपकी। 1 मीटर से आज आप अभी उंगली गिन रहे हैं, खोल लीजिए आप। बहुत सारी बधाई हो, आपकी रोशनी 1 मीटर पहुंच गई है। जीवन में वो क्षण आया है जिसका आप 40 सालों से इंतजार कर रहे थे। कितने साल से? 40 साल से। 40 सालों से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, आप कुछ भी पहचान नहीं पा रहे थे। आज आपने 1 मीटर से उंगलियां गिनी है। देखें राइट आंख में क्या पोजी? हिला रहे हाँ। अब हिला रहे। अब कितना फिंगर है? अब काउंट करिए, लाइट दिखता है हाँ, कोशिश करिए। इस तरफ हमारा रोशनी इधर नहीं था, तुम हाथ पे डाले। अब देखिए इधर से हाँ, मारे तो हाँ, पीछे से मारते हैं। अब बताओ कितना है? 1, 2 और ये नहीं था। जल्दी से पकड़, जल्दी से लिया। 3 है बोलता 2 है। बहुत सारी बधाई हो। दूसरी आंख में, राइट आंख में भी आपको 1 फिट रोशनी आई है करीब करीब, और लेफ्ट आंख में आपको 1 मीटर की रोशनी आई। जिंदगी की ये काल बाबा का आशीर्वाद आपको फला और आपको आज रोशनी, नया जीवन मिला है। अब आप भी सोचेंगे कि यस, जीवन है, जो अंधकारमय हो गया था उसमें अंधकार में आप रोशनी आना। बहुत सारी बधाई हो, शुरू हुई, अभी शुरू हुई है, वो बढ़ती चली जाएगी। 40 साल बाद
40 साल बाद रोशनी आई है। जीवन का ये सोपान आपको मुबारक हो। ये आपको जो कोहिनूर हीरे जैसे मिले हैं, ये हीरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ईश्वर ने जो ले लिया था किसी गलती से, वो ईश्वर ने आपको वापस दिया है, आपकी भूल सुधारी है। अब आप प्रण करें कि जिंदगी भर कभी आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मांस नॉनवेज, अच्छा नॉनवेज छोड़ेंगे, ठीक, कभी नॉनवेज नहीं खाने का, और बिल्कुल लिमिटेड कभी भी शराब वगैरह का भी यूज नहीं करेंगे। देने वाले श्री भगवान है, लेकिन अपने को भी बॉडी मेंटेन करना पड़ता। वेंकटेश जी, आप 40 साल से ब्लाइंड हैं। यस। वो ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाकर इलाज नहीं करा। इंडिया पूरा कहीं भी नहीं मिला। हाँ। करा दिया वो पुणे में। पुणे में फायदा नहीं है। कितनी बार करवाया? 5 बार कराया। 5 बार स्टेम सेल थेरेपी ली आपने? यस। वो कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं हुआ? नहीं, इसमें नहीं आया। देखें आज किसी डॉक्टर ने चश्मे का नंबर दिया आपको? चश्मे का नंबर? हाँ, नहीं दिया, क्योंकि चश्मा लगता ही नहीं था। यस, है ना? आपने चश्मे का नंबर अक्सर जब देता था, अब नहीं। अब बिल्कुल जीरो कब से हो गया? 5 साल से। 5 साल? 5 साल क्या, और ज्यादा? ज्यादा, पैदल भी नहीं। नहीं, कब से नहीं चल सकते पैदल? 5-6 साल से। 6 साल से? यस। जिंदगी पूर्णतः पूर्ण विराम लग गया जिंदगी में, आना जाना घूमने फिरने में सब चीज, पूरी लाइफ खत्म सी हो गई। अपन एक इंसान रह गए थे बस, सुरदास। ठीक। देखें आज चश्मे का नंबर कहीं भी नहीं दिया आपको। हाँ। पास का दूर का कोई चश्मा नहीं लगता। यस। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। वेंकटेश जी, अब आपको चश्मे का नंबर लगाया है, देखें कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? वो ये राउंड में एल दिख रहा। एल दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी रोशनी 20 फिट पहुंच गई है। पहला अक्षर मतलब 20 फिट 6 मीटर। देखें इसके नीचे कुछ आता है क्या? अच्छा लगा। फिर से इसके नीचे कुछ आता है क्या? यू आर। ओ नाइस, माई गॉड, ईश्वर की असीम कृपा हुई है, महाकाल बाबा की आपके ऊपर। 20 फिट से ये 40 फिट का एक अक्षर आपने बताया। यू, यू के पास क्या है? F, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो वेंकटेश जी। जीवन में आपने वो जंग जीती है जो आप करोड़ों अरबों रुपए कमा के भी नहीं जीत सकते थे। इतना आपको बेनिफिट हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे। लेट अस सी इसके नीचे कुछ है क्या? वेंकटेश जी, ये पानी नहीं है, ये आंखों से आपके आंसू आ रहे हैं खुशी के। ये आप सोच नहीं सकते थे कि मेरे को इतना जल्दी इतना फायदा हो सकता है। ठीक, ईश्वर गम में भी आंसू देते हैं और खुशी में भी आंसू देते हैं। ये वो आंसू हैं जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हीरे मोती बरस रहे आपकी आंखों से के आज के आपको जो रोशनी मिली है कोहिनूर हीरे की कीमत से ज्यादा है। यस, वेंकटेश जी बताइए, थर्ड लाइन में कोई लेटर दिखता? टी दिख रहा है। टी दिखता है किस तरफ? लेफ्ट साइड होता है ना? डी है ना? जीरो है। हाँ, डी है। डी है भाई, बहुत सारी बधाई। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। टी, डी और बी, ये 3 लेटर आपको बिल्कुल सही दिखे हैं। मतलब आपकी रोशनी अब हो गई है इस चश्मे से 60 फिट। हाँ, बिल्कुल। हाथ है मेरा पहले। हाँ, हार्ट का बाईपास हो चुका है। okay, ज्यादा okay. इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलिए अपन इस पे फुल स्टॉप करते हैं, बाकी का अपन बाद में देखेंगे। देखें राइट आंख से क्या दिख रहा है, देखिए चश्मे के नंबर से दिख रहा हो। एल, एल दिख रहा। एल ही तो है। बहुत सारी बधाई हो। राइट आंख में भी आपको रोशनी आना शुरू हो गई। 20 फिट आपकी नजर पहुंची है चश्मे से। फिंगर काउंटिंग हुई, फिंगर काउंटिंग के बाद आज 20 फिट आपकी नजर जीरो से पहुंची। आपको सिर्फ परछाइयां हिलती हुई दिखती थी, आप कुछ भी पहचान नहीं पाते थे। 20 फिट नजर, हाथ हिलता हुआ महसूस होता था आपको, उसकी जगह आप 20 फीट की परछाई देख रहे हैं। एग्जैक्टली आपने एल शब्द बताया जो बिल्कुल सही है। वो 20 फीट नज़र आपकी हो गई है राइट आंख में, और लेफ्ट आंख में 60 फीट आपकी नज़र हुई है। बहुत बहुत बधाई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं खुशी के मारे। हाथ मिलाओ, वो खुशी मनाओ कि आज आपकी ज़िंदगी में पुनः रोशनी आई है। आप जीवन में फिर सफल इंसान वैसे ही थे और आगे होते चले जाएंगे। जैसे आप दुनिया देखेंगे, लोगों की परेशानियां देखेंगे, उनको आप हेल्प करने के योग्य बन गए हैं, क्योंकि आपने वो परेशानी भोगी है जो आपने सोची नहीं थी कि मुझको ये बीमारी हो सकती।
बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू। जीवन में वो आपने पाया है जो आप सोच नहीं सकते थे। अब आप अपने शरीर के भाई बहन जो आंख होते हुए सूरदास हो गए हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ साल से ऐसी है, हमको ज्ञान खब हो रहे, जब से हमको अच्छा ये 40 साल से ये प्रॉब्लम्स है, ये 5 साल से पैर नहीं चलता था, अकेला नहीं चलता था। अब पढ़ना जरा शुरू हो गया, साथी होना, सपोर्ट होना, दूर का दिखना आपको बहुत बढ़िया शुरू हुआ है। yes, चश्मे से चश्मे से हो रहा। तो अब आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आप सभी के भाई बहन जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, आंख तो ठीक है लेकिन दिखता नहीं है, और वर्ल्ड में, दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी जगह दिखाए। हाँ, बहुत सारी जगह में दिखाए, बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट किया, उससे फायदा नहीं है कुछ भी, कहीं फायदा नहीं हुआ। आपको फायदा कहाँ हुआ है? यहाँ पे कहाँ? उज्जैनी में, और ये एमपी उज्जैनी में, पहले यहाँ डॉक्टर ऋषभ जैन है, उनसे हाथों से आपको जरा बिखरा। अब आशा भी है फ्यूचर में भी, और आता अकेला चल सकता बोल के हमको आशा। ये आशा आपकी जागृत हुई ना, ये उम्मीद आपकी जागृत हुई, क्योंकि आपको आज कितना फिट दिखा, लेफ्ट हुई है टांग से, चश्मे से 60 फिट, एक अक्षर होता है 20 फिट पे, अच्छा। दूसरी लाइन होती है 40 फिट पे, तीसरी लाइन होती है 60 फिट। आज आप 60 फिट देख रहे हैं चश्मे से, 3 लाइन आपने पढ़ी है, ठीक है। हाँ। बहुत बहुत बधाई इस चीज की कि आपको 60 फिट रोशनी बड़ी। हाँ। और राइट आंख से आप एक अक्षर पढ़ पा रहे हैं 20 फिट। हाँ। तो पूरा नहीं दिखता था, पूरा नहीं दिखता था राइट आंख, थोड़ा अब रोशनी में एक लेटर पढ़ा। तो अब आपके शरीर के लोग जो ब्लाइंड हैं, घर पे बैठे हुए हैं, किसी के साथ की जरूरत है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? जरूरी इधर आना, इलाज कर लेना, कैसा भी उनको नजर आता, कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ फर्क होता, अच्छा होता, अच्छा होता। यकीन है आपका, यकीन बड़ा, इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आकर इलाज अच्छा हो रहा है, अच्छा होते रहता हो रहे होता है आपके यहाँ इलाज होता है, यहाँ उनको आना जरूरी है, कर लेना, यहाँ को आके कर लेना, पूरा यहाँ पे आके इलाज करना चाहिए। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।